आयुर्वेद यूट्यूब चैनल से मैं डॉक्टर मनोज विप्लव आप सभी मित्रों दर्शकों का हार्दिक स्वागत करता हूं और जिन मित्रों ने अभी तक हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है उनसे विनती करूंगा शीघ्र ही हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे हमारे आगामी वीडियो आप तक शीघ्र पहुँच पाए। इस वीडियो का पूरा लाभ उठाने के लिए कृपया यह वीडियो अंत तक देखिए जिससे आपको कब्ज रोग से संबंधित सभी सामान्य बातें पता चल जाएगी और आप निश्चित ही इस रोग से मुक्त हो जाएंगे। कब्ज रोग कॉन्स्टिपेशन डिजीज पाचन तंत्र के खराब होने से यह रोग उत्पन्न होता है। कब्ज होने से सुबह पेट ठीक से साफ नहीं हो पाता, मल त्याग करते समय ज़्यादा जोर लगाना पड़ता है। कब्ज दूर करने के लिए कुछ लोग तो मेडिसिन लेते हैं और कुछ लोग पेट सफा के चूर्ण प्रयोग करते हैं। पुरानी कब्ज हो या नई, आप घरेलू उपाय देसी आयुर्वेदिक उपचार से शीघ्र ही इनसे मुक्ति पा सकते हैं। एक स्वस्थ और सेहतमंद इंसान को कम से कम दिन में एक बार अवश्य मल त्याग करना चाहिए, लेकिन कब्ज की वजह से सही तरीके से पेट साफ नहीं हो पाता जिस कारण व्यक्ति 2 से 3 दिन में मल त्याग हो जाता है। आजकल दूषित खान पान की वजह से पेट ठीक से साफ न होना आम रोग हो गया है। कई बार कब्ज जल्दी दूर हो जाती है, कई बार इसके इलाज के लिए उपाय की आवश्यकता होती है। तो मित्रों, कब्ज दूर करने के उपाय से पहले हमें कब्ज होने के कारण का पता होना नितांत आवश्यक है, इसलिए मैं कुछ आम कारण आप लोगों के सामने रख रहा हूं। पानी कम मात्रा में पीना कब्ज होने का बड़ा कारण है। कब्ज नई हो या पुरानी, ट्रीटमेंट के अलावा इस बात का भी ध्यान रखें कि आप पर्याप्त मात्रा में पानी पी रहे हैं या नहीं। बात बात पर दर्द निवारक दवाइयों का इस्तेमाल पाचन तंत्र को खराब कर देता है, गैस बनने लगती है और कब्ज की समस्या आने लगती है। इसलिए चिकित्सक की सलाह से ही दर्द निवारक औषधियां लेनी चाहिए। ठंडी चीजों के अधिक सेवन से भी पेट साफ ना होने की समस्या प्रबल हो जाती है। कोल्ड ड्रिंक, आइसक्रीम, पेस्ट्री, चॉकलेट इत्यादि भी कब्ज को जन्म देती है। फास्ट फूड और डब्बा बंद खाने में वसा की मात्रा ज्यादा होती है और इसके ज्यादा सेवन से पाचन तंत्र पर बुरा असर पड़ता है और कब्ज से प्रभावित व्यक्ति को ऐसे फूड नहीं खाने चाहिए। सुबह मल त्याग के लिए जाने में आलस करना, भोजन कम लेना, मल कम बनना, भूख न लगना कुछ ऐसे कारण हैं जो पेट में कब्ज को बनाते हैं। बिल्कुल भी शारीरिक श्रम न करने से शरीर का मेटाबॉलिज्म धीमा होने लगता है जिस कारण खाना सही तरीके से नहीं पच पाता और कब्ज जैसे रोग उत्पन्न होने लगते हैं। कब्ज मिटाने के सरल उपचार के लिए कुछ लोग दस्त लगाने वाली दवा और चूर्ण का उपयोग करते हैं, ये सही तरीका नहीं है। कब्ज ठीक करनी है तो सबसे पहले इसके कारण का निवारण करना चाहिए। कारण दूर होने पर कब्ज स्वतः ही चली जाती है। फिर भी कब्ज न जाए तो उनके लिए मैं कुछ घरेलू आसान आयुर्वेदिक उपचार आप सब लोगों के लिए बता रहा हूं। इनके इस्तेमाल से आप कब्ज से जल्द ही मुक्त हो जाएंगे। जिन लोगों के रक्त में वसा की मात्रा अधिक नहीं है, चर्बी की मात्रा रक्त में अधिक नहीं है, वो रात को 1 गिलास गर्म दूध में 1 चम्मच घी डालकर पिए। घी पीने से भी आंतें नरम होती है और कब्ज की शिकायत दूर हो जाती है। दूध में चीनी के बजाय शहद का इस्तेमाल करने से भी कब्ज रोग से मुक्ति मिलती है। सुबह पेट ठीक से साफ न होने की स्थिति में रात को सोने से पहले इसबगोल की भूसी का सेवन भी कर सकते हैं। 1 गिलास 200 ग्राम के लगभग गर्म दूध लेके उसमें 2 चम्मच इसबगोल की भूसी डालकर रात को पीने से सुबह कब्ज रोग से मुक्ति मिलती है। तुरंत पेट साफ करने के लिए नींबू पानी पीने से भी ज्यादा फायदा मिलता है। 1 गिलास गुनगुने पानी में 1 नींबू निचोड़कर पिए। रात को सोने से पूर्व ये उपाय करने से अगली सुबह पेट साफ हो जाता है। 4 चम्मच सौंफ 1 गिलास पानी में उबालें और फिर ठंडा होने पर इसे छानकर पिए। इस होम रेमेडी से भी
कब्ज रोग में राहत मिलती है। जिन लोगों को कब्ज बहुत पुराने समय से है उनके लिए एक बहुत ही सरल उपाय बताने जा रहा हूँ। 25 ग्राम की मात्रा में किशमिश ले लीजिए और उन्हें कुछ पानी में भिगोकर रख दीजिए। प्रतिदिन सुबह यह किशमिश खाएं। कब्ज चाहे कितनी भी पुरानी हो, कुछ ही दिनों के निरंतर उपयोग से कब्ज से हमेशा के लिए मुक्ति मिल जाती है। पुरानी कब्ज के अंदर त्रिफला चूर्ण का भी बहुत ही उत्तम प्रयोग माना जाता है। त्रिफला तीन फलों से बनता है, हरड़, वेहड़ा और आंवला। इन तीनों को समान मात्रा में लेकर पीस कर चूर्ण बना लिया जाता है और रोज रात को गर्म पानी से एक या दो चम्मच चूर्ण नित्य सेवन करने से कब्ज की परेशानी से मुक्ति मिलती है। त्रिफला चूर्ण बाजार में सभी आयुर्वेदिक मेडिकल स्टोर पर भी आसानी से उपलब्ध होता है। इस रोग में सुबह शाम 5 से 10 मुनक्का दाना खाने से भी कब्ज में राहत मिलती है। एक बात मैं और आप सभी मित्रगणों से कहना चाहूंगा कि जो कब्ज रोग से मुक्ति चाहते हैं उन्हें मैदे का प्रयोग जितना हो सके कम कर देना चाहिए। मैदा जो है हमारी आंतों में चिपक जाता है और कब्ज रोग को पैदा करता है। अधिक से अधिक भोजन फाइबर वाला हमें करना चाहिए। एक और आसान उपाय है, अरंडी का तेल 1 चम्मच ले, 1 गिलास गुनगुने दूध में मिलाकर रात को सोते समय पीजिए। कुछ दिन लगातार ये सेवन करने से भी पुरानी से पुरानी कब्ज चली जाती है, कब्ज से मुक्ति मिल जाती है। दोस्तों यहाँ मैं एक बात और आपसे कहना चाहूँगा, हमें ऐसे आहार खाद्य इस्तेमाल करने चाहिए जिन्हें पचाने में शरीर को अधिक मेहनत ना करनी पड़े। अधिक मेहनत करने से पाचन तंत्र विकृत हो जाता है और कब्ज होने लगती है। खाने को जब भी हम खाएं तो बहुत आराम से चबा चबा कर ही खाना खाना चाहिए। और सुबह जिन लोगों को मल त्याग का प्रेशर हो जाता है उसके उपरांत भी जो लोग मल त्याग करने नहीं जाते, आलस्य में रहते हैं, उनके पेट में मल सूखने लगता है और कब्ज रोग पैदा हो जाता है। इसलिए आलस्य छोड़िए, जब भी मल की हाजत हो, मल का वेग हो, तुरंत मल त्याग करने के लिए जाए। पुरानी कब्ज के घरेलू उपाय करने के साथ साथ परहेज करना भी अति आवश्यक है। पेट साफ अगर नहीं होता है तो तली और भुनी हुई चीजें, ज्यादा मसालेदार भोजन, मैदा, बेसन, मिर्चें इत्यादि हमें नहीं खानी चाहिए। रात्रि का भोजन सोने से 2 घंटे पहले अवश्य कर लेना चाहिए। रात्रि को हल्का भोजन ही करना चाहिए। रात्रि काल के भोजन से 1 घंटे पहले कम से कम 1 या 1.5 गिलास पानी अवश्य पीना चाहिए। भोजन जितना हो सके फाइबर युक्त होना चाहिए जिससे पेट की सफाई आसानी से हो जाए और कब्ज रोग न पैदा हो। दोस्तों योग से कब्ज दूर करने के कुछ उपाय भी आपको बताने जा रहा हूं। कब्ज दूर करने के लिए योग में कपालभाति प्राणायाम करने से बहुत आराम मिलता है। कपालभाति प्राणायाम कब्ज के अलावा भी पेट से जुड़ी अन्य समस्याओं का इलाज भी आसानी से कर देता है। कब्ज ठीक करने के लिए प्रतिदिन 15 मिनट कपालभाति जरूर करें। योग आसन से कब्ज करने में प्रमुख आसन है धनुरासन योग, कपालभाति प्राणायाम, अनुलोम विलोम प्राणायाम। इनके नित्य सेवन से भी कब्ज रोग से मुक्ति मिलती है। सुबह सुबह 2 सेब चबा चबा कर खाने से भी कब्ज रोग से मुक्ति मिलती है। कब्ज से प्रभावित व्यक्तियों को फलों का सेवन अधिक करना चाहिए, जैसे अमरूद, पपीता, अनानास, सेब, मौसम्मी, नारियल, संतरा, अंजीर, खीरा, गाजर इत्यादि। कब्ज ठीक करने के लिए आहार में हरी सब्जियां और चोकर वाले आटे से बनी रोटी का अधिक सेवन करना चाहिए। दोस्तों अमरूद के उपयोग से भी कब्ज रोगों से मुक्ति पाई जा सकती है। ऐसा देखा गया है
कि अमरूद का सेवन करने से हमारे पेट की आंतों में तरावट आती है, कब्ज से छुटकारा मिलता है। इसे रोटी खाने से पहले ही खाना चाहिए, क्योंकि खाना खाने के बाद अमरूद खाने से कब्ज होती है। इसलिए कब्ज वाले रोगियों को नाश्ते में अमरूद लेना चाहिए। पुरानी कब्ज के रोगियों को सुबह और शाम दोनों समय अमरूद खाना चाहिए। ऐसा करने से दस्त साफ आएंगे, अजीर्ण और गैस दूर होगी, भूख खुलकर लगेगी। अमरूद के साथ सेंधा नमक मिलाकर खाने से पाचन शक्ति भी निश्चित रूप से बढ़ती है। छुहारे का कब्ज में बेहतरीन उपयोग माना जाता है। रोजाना सुबह 3 से 5 छुहारे खाकर गर्म पानी पिए। यदि छुहारे सख्त हों, खाने संभव न हो, तो दूध में उबालकर भी 2 या 3 छुहारे दूध में उबालकर भी ले सकते हैं। छुहारे नित्य खाते रहने से बवासीर स्नायु दुर्बलता दूर हो जाती है, रक्त का संचरण ठीक रहता है। इसके प्रयोग से कब्ज में रामबाण लाभ होता है। छुहारे के और भी कई अनेक लाभ होते हैं जो कि इसके प्रयोग करने से मिल जाते हैं। सुबह के समय छुहारे पानी में भिगो दें और रात्रि के समय इन्हें चबा चबा कर भी खा सकते हैं। भोजन कम मात्रा में करें और रात्रि के समय 2 छुहारे दूध में उबाल कर भी लें। इस प्रयोग से भी कब्ज का बेहतरीन इलाज होता है। दोस्तों, आज इस वीडियो के माध्यम से एक और बहुत ही सरल उपाय आपको बताने जा रहा हूँ कब्ज से मुक्ति के लिए। गेहूं के जरिए किस प्रकार हम कब्ज से मुक्ति पा सकते हैं? गेहूं का आटा बारीक छानली में छान लीजिए। बारीक छलनी मैदा छानने वाले छलनी भी ले सकते हैं। बारीक छलनी में छानने पर जो चोकर निकलेगा उस चोकर को तवे पर भून लें। उसे इतना भूने कि वह लाल हो जाए, लेकिन ध्यान रहे वो जले नहीं और न ही कच्ची रहे। फिर इस भुनी हुई चोकर को दूध शक्कर पानी में डालकर खूब उबालें। उसके बाद इसे छानकर पी लीजिए। इसका स्वाद काफी के समान होगा। इसके सेवन से आपको तुरंत नई स्फूर्ति मिलेगी, क्योंकि इसमें प्रोटीन बहुत ज़्यादा मात्रा में होते हैं। इसका प्रयोग कब्ज, गैस, ब्लड प्रेशर, हार्ट अटैक में भी लाभदायक होता है। यह शारीरिक कमजोरी को दूर करने का एक रामबाण टॉनिक का काम करता है। इसके कुछ दिनों के प्रयोग से ही आपको कब्ज से मुक्ति मिलेगी और अन्य भी ढेरों लाभ मिलेंगे। दोस्तों, इस वीडियो में ये बात तो आप समझ ही चुके होंगे कि कब्ज से मुक्ति के लिए हमें पेट साफ रखना बेहद जरूरी है। पेट साफ करने के लिए हम एक बहुत ही साधारण प्रयोग और बता रहे हैं आपको। रात को 1 चम्मच पिसे हुए आंवले का चूर्ण लीजिए। उस पिसे हुए आंवले के चूर्ण को पानी या दूध के साथ नित्य रात्रि में लेने से सुबह दस्त साफ आता है और कब्ज नहीं रह पाती। इससे आते और पेट पूरी तरह से साफ रहता है। कब्ज के इलाज के लिए इसबगोल का प्रयोग भी बहुत ही उत्तम माना जाता है। गर्म दूध के साथ इसबगोल की भूसी या गुलाब का गुलकंद लेने से भी सोच खुलकर आता है। बवासीर के रोगियों के लिए यह प्रयोग बहुत ही लाभकारी होता है। इसके साथ ही जिनको कब्ज की वजह से ठीक से पेट साफ नहीं हो पाता, उनके लिए भी यह प्रयोग अति उत्तम माना जाता है। पेट साफ करता है और कब्ज से मुक्ति मिलती है। एक बहुत ही साधारण सरल घरेलू उपाय आपको बताने जा रहा हूँ, जो कब्ज से मुक्ति तो दिलाएगा ही, साथ साथ हमारे शरीर में ऊर्जा भी प्रदान करेगा। 1 या 2 मुट्ठी चने रात को धोकर भिगो दीजिए। सुबह जीरा और सौंठ पीसकर उस चनों पर डालें और उसे खाइए। घंटे भर बाद उस पानी को भी पी लें जिसमें चने भिगोए गए थे। इससे कब्ज तो दूर होगी ही, साथ ही पेट पूरी तरह से साफ हो जाएगा। आतड़ियों की सफाई हो जाएगी। आतड़ियों में फंसे मल निकलने से पेट को साफ करने में यह प्रयोग भी बहुत ही प्रभावकारी माना गया है। जिन
दर्शकों को मधुमेह नहीं है और कब्ज से पीड़ित हैं उनके लिए एक उपयोग है कि इसबगोल की भूसी के 2 चम्मच 6 घंटे तक 1 गिलास पानी में भिगो दीजिए, फिर इतनी ही मात्रा में मिश्री मिलाकर रात को सोते समय पानी के साथ लेने से भी दस्त साफ आता है। दोस्तों, कब्ज दूर करने के लिए एक बहुत ही साधारण औषधि जो लगभग हर घर में मौजूद है, बहुत ही उपयोगी सिद्ध होती है, वह है एरंड का तेल। सोते समय 2 चम्मच एरंड का तेल 1 गिलास गर्म पानी या गर्म दूध में मिलाकर पिया जा सकता है। यह हानि रहित नुस्खा है। एरंड का तेल दूध या गर्म पानी के साथ पीने से पेट साफ होता है। यह हफ्ते में 1 और 2 बार जरूर लेना चाहिए, जिससे हम अन्य भी कई प्रकार के रोगों से बचे रहते हैं। एरंड का तेल अवस्थानुसार 1 से 5 चम्मच की मात्रा में 1 कप गर्म पानी या गर्म दूध में लेना लाभप्रद माना गया है। अधिक छोटे बच्चों के लिए आयुष चिकित्सक आयुर्वेद चिकित्सक से राय करके परामर्श लेकर एरंड का तेल इस्तेमाल कर सकते हैं। कुछ बूंदे ही छोटे बच्चों के लिए पर्याप्त मानी जाती है। कब्ज रोग में सौंफ का भी बहुत अधिक उपयोग माना जाता है। 4 चम्मच सौंफ को 1 गिलास पानी में उबाल लीजिए। जब पानी आधा रह जाए तो उसे छानकर ठंडा कर पीजिए। इस प्रयोग से भी कब्ज दूर होती है और सोते समय 1/2 चम्मच पिसी हुई सौंफ की फांकी गर्म पानी से ले, इससे भी कब्ज दूर होती है। या फिर सौंफ, हरड़ और शक्कर, इन तीनों को 1/2 चम्मच लेकर मिलाकर पीस लीजिए। गर्म पानी से सेवन करने से भी कब्ज से छुटकारा मिलता है। दोस्तों, कब्ज में शहद का उपयोग भी उत्तम बताया गया है। शहद प्राकृतिक हल्का दस्तावर माना जाता है। रोजाना सुबह उठने के बाद और रात को सोने से पहले 50 ग्राम शहद ताजे पानी या दूध में मिलाकर पीने से कब्ज रोग में तुरंत फायदा मिलता है। शहद का पेट पर शामक प्रभाव पड़ता है, जिससे पेट की सफाई हो जाती है। इसके प्रयोग से पाचन शक्ति बढ़ती है, भूख खुलकर लगती है और कई हद तक मोटापे से भी निजात मिलती है। कब्ज रोग में नीम का प्रयोग भी बहुत ही उपयोगी माना जाता है। नीम के फूलों को धूप में सुखा लीजिए। पूरी तरह से सूखने पर उन्हें पीस लीजिए। पीस कर उन्हें छान लीजिए और इस चूर्ण को सुरक्षित एकत्र कर लीजिए। रोज रात को सोते समय 1 चुटकी भर यह चूर्ण गर्म पानी के साथ लेने से कोष्ठबद्धता, कब्ज की बीमारी से मुक्ति मिलती है। खून की सफाई करना नीम का प्राकृतिक जातीय गुण है, इसलिए खून में मौजूद सभी बेकार पदार्थों को खत्म करके खून को साफ करती है। साथ साथ यह चूर्ण आंतों को भी साफ करता है और कब्ज रोग से मुक्ति मिलती है। जिन लोगों को बहुत लंबे अरसे से कब्ज है और वो तरह तरह के उपचार करके थक गए हैं, उनके लिए बहुत ही सरल आयुर्वेदिक चूर्ण मैं आपको बताने जा रहा हूँ, आयुर्वेदिक उपाय आपको बताने जा रहा हूँ, वह नोट कर लीजिए और आप घर में ही कब्ज हर चूर्ण बना सकते हैं और निश्चित ही आपको 1 सप्ताह तक यह पूर्ण आराम दिला देगा। आप नोट कीजिए, सनाई की पत्ती 20 ग्राम, सौंठ 5 ग्राम, सौंफ 20 ग्राम, गुलाब के फूल की पत्तियां 20 ग्राम, जीता 10 ग्राम, सेंधा नमक 5 ग्राम और मिश्री 100 ग्राम। इन सभी द्रव्यों को अलग से कूट लीजिए, बारीक कूट कर पीस लीजिए। पीस कर छान कर सुरक्षित एकत्र कर लीजिए। इन द्रव्यों की जो चूर्ण निर्मित होगा उसके 3 ग्राम की एक मात्रा रात को सोते समय गर्म पानी से 1 सप्ताह तक लीजिए। नियमित 1 सप्ताह तक सेवन करने से कब्ज रोग में निश्चित रूप से फायदा मिलेगा। 1 सप्ताह से अधिक इस चूर्ण का इस्तेमाल नहीं करना है। अगर करना हो
तो निकट के किसी आयुर्वेदिक चिकित्सक या आयुष चिकित्सक से संपर्क करके आप कर सकते हैं। दोस्तों, आज का यह वीडियो आपको कैसा लगा, अपनी बहुमूल्य राय नीचे कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिए। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आगामी वीडियो आप तक शीघ्र पहुंच सके। जय आयुर्वेद, जय भारत।